यहाँ से हम इसे उठाएंगे और भी मेरे पास हैं, और चलिए कहाँ पर लगाएंगे। थोड़ा सा गहरा ही गड्ढा करना है, नहीं तो देखो ऐसी जड़ निकली आती हैं, ये जड़ जो है बाहर निकल आती हैं और ये पेड़ कमज़ोर पड़ जाता है जब कोई भी फल लग के आता है ना। तो इसे हम गहराई गड्ढा बनाएंगे और इतने गहरे गड्ढे में हम रखेंगे इसे। देखिए ऐसे उठाएंगे इस तरह से। और पेड़ पौधे लगाने का ना मुझे बहुत शौक है, आपको है या नहीं है आप मुझे ज़रूर बताना। वैसे तो एक दो पौधा ज़िंदगी में ज़रूर लगाना चाहिए और आपने भी लगाया ही होगा, और अगर नहीं लगाएंगे आप तो आपके मन में आ जाएगी लगाने की, क्योंकि जीवन में है ना एक दो पौधा ज़रूर लगाना चाहिए अपने हाथों से। और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मन लगता है मेरा। अब हम इसे स्वस्थ रखने के लिए जल्दी ही दे देंगे पानी, ये देखिए। और इसे ये पानी काफ़ी है, पहले इस पानी को नीचे जान दीजिएगा, उसके बाद में थोड़ा सा पानी और दीजिएगा, देखिए इस तरह से। अब जो दूसरे मेरे टमाटर के पौधे हैं, चलिए उन्हें देखते हैं वो कहाँ पर हैं। यह देखिए, ये रहे मेरे टमाटर के पौधे, और भी हैं एक जगह, देखिए वहाँ पे हैं, वहाँ से भी मैं लेने वाली हूँ। पहले इन्हें लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने रख दिए हैं और यहाँ पे भी सेम ही होल करेंगे एक बड़ा सा। ताकि थोड़ी सी मिट्टी में ही जल्दी और ज़्यादा ग्रो कर जाए पौधा, इसलिए हमें गाइस क्या होता है कि देखिए ज़्यादा बड़े होल में ही रखना चाहिए, और बहुत ही आराम से थोड़ी थोड़ी मिट्टी को ऐसे करते चले जाएंगे। ये देखिए, और ये बहुत जल्दी टमाटर देने स्टार्ट कर देंगे। और ये गाइस देसी टमाटर के सीड्स हैं जो मैंने लगाए थे। चलिए इसे भी पानी देते हैं। और एक इसमें भी लगा देते हैं। तो चलिए यहाँ से मैंने ये उठा लिया है, और थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी हम हाथ से ऐसे करेंगे ताकि पेड़ के पत्ते नहीं दबने चाहिए, पेड़ के पत्ते ना दबें। इस तरह से थोड़ी थोड़ी मिट्टी हमने कर दी है। जब ये पेड़ बड़ा होता है तो अपने आप ही इस तरह से देखो जड़ निकल आती हैं, तो अब ये स्वस्थ रहेगा और मस्त रहेगा। देखिए ऐसे मैं नीचे पानी दूंगी, ऊपर नहीं, क्योंकि मिट्टी बह जाएगी इस पर। तो ये देखिए, ये उम्मीद है कि अब ये स्वस्थ रहेगा एकदम। ये पेड़ पौधा जो मैं लगा रही हूँ, पेड़ पौधे सारे के सारे ही स्वस्थ रहेंगे और ये मरेंगे भी नहीं। ये देख सकते हैं आप, थोड़ी सी सपोर्ट बस इस तरह से देने की ज़रूरत है। अभी तीन पौधे मेरे इसमें से बच रहे हैं, नहीं तीन नहीं, मैं इसमें से दो लगाऊंगी, दो बच रहे हैं। ये पौधा जो होता है जिसमें तीन पत्ती होती हैं, इसे ना लगाएं, ये उगेगा नहीं। पानी और डालना है इसमें, तो
तो लीजिए, मैंने वो पौधे भी ले लिए हैं और लगाते हैं अब हम पौधों को। ये हमारे पास 4-5 पौधे हो गए हैं। इनसे गाइस मैंने कल स्किप हो गई है और मैं है ना बहुत ज़्यादा पछता रही हूँ कि वो वीडियो मेरे से कैसे क्लीन हो गई। मैं ना गैलरी को एरर मार रहा था जो कि मैं एक्सपोर्ट कर रही थी, और वहाँ पे है ना गैलरी मैंने क्लीन जो करी और उस पर धोखे से क्लिक हो गया, और मुझे लग रहा था क्योंकि काफ़ी सारे थे जो मुझे क्लीन करने थे गैलरी में से, और जो कि काफ़ी सारों में मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि मैं क्या क्लिक हो गया। तो जो मैंने इतनी लंबी वीडियो इतनी मेहनत से बनाई थी, मैंने बहुत बड़े बड़े बैंगन की हार्वेस्टिंग की है और भिंडी की और तोरी की और घिया की, और हाँ मैंने गोभी की एक इससे और एक इससे और एक इस गमले से, तीन मैं गोभी लेके गई हूँ यहाँ से हार्वेस्टिंग करके, और हाँ एक मैंने वहाँ से भी करी है गोभी हार्वेस्टिंग। तो यहाँ से है ना मैं अभी आपको जड़े भी दिखा दूँगी वीडियो, पहले मैं इसे लगा देती हूँ तो मैं आपको जड़े भी दिखा दूँगी जो गोभी मैंने हार्वेस्ट की है। और हाँ बहुत ही अच्छे अच्छे मैंने ट्रांसप्लांट भी किए हैं, मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितना समय मेरा बर्बाद हुआ था, बर्बाद हो गया मतलब जब मैं दिखा नहीं पाई तो बर्बाद ही हो गया मानिए। तो यहाँ पे है ना मैं पानी दे देती हूँ देखिए, और बहुत ज़्यादा मैं परेशान हुई थी और मैं रो भी रही थी कि मैंने 1 घंटे तक मेहनत करी थी, 1 घंटे नहीं मेहनत तो मैंने 4-5 घंटे लग के करी थी गाइस। कल पूरी गर्मी थी पूरी और दोपहर ही भर रही थी, और आज मौसम कैसा है आज मैं अभी आपको दिखा देती हूँ देखिए, अभी दिखाती हूँ, पहले मैं इन गमलों को सेट कर देती हूँ देखिए। कल मैंने 4-5 घंटे मेहनत करने के बाद जब आपको 45 मिनट की वीडियो बनाकर दिखाने के लिए तैयार की थी, लेकिन बदकिस्मती से वो स्किप हो गई और आपको नहीं मिल पाई, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसे हो गया गाइस। और मैं अब क्या कर सकती हूँ, लेकिन मैं दिखा तो सकती हूँ आपको, दिखाऊंगी मैं आपको कि कितनी मैंने मेहनत करी थी और आपको कितना अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके दिखाया था, ज़्यादा भी नहीं मैंने दिखाया था आपको, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके दिखाया था गाइस। सभी पौधों को मैं इस तरह से लगा रही हूँ और सभी को थोड़ा थोड़ा पानी दे रही हूँ। इन्हीं गमलों में से मैंने देखो 2 फसल पहले ले ली हैं, और पहले तो मैंने नहीं तीसरी चौथी फसल ली है क्योंकि गोभी भी निकाल ली अब, और गोभी से पहले ना गाइस इसमें गाजर हुआ करती थी और मूली इन गमलों में हुआ करती थी पिछली सर्दियों में, तो अब सर्दी आ गई है और मेरा अभी एक गमला खाली भी रह गया है, और पौधा मिल जाएगा टमाटर का तो उसमें भी इस वाले गमले में भी मैं टमाटर का पौधा ही लगाने वाली हूँ। तो चलिए इसमें पानी और डालते हैं, और टमाटर के पौधे मेरे काफ़ी अच्छे से लग गए हैं, चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए 2, 2, 4, 2, 6 और देखिए वहाँ पे 7, 7 और हाँ एक यहाँ पे है, 8 गमलों में मैंने यहाँ पे देख सकते हैं 3 ये रहे 2 ये रहे 5 और 3 वो रहे, तो 8 गमलों में मैंने लगा दिया है टमाटर के पौधे को, और अब बचा 1 गमला वहाँ पे, उसमें टमाटर का पौधा लगाना है मुझे यहाँ पे है ना 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 जो गमलों में मैं टमाटर के पौधे लगा चुकी हूँ ये मानिए। अब एक दो में एक में रह गया है, सिर्फ एक में भी मैं लगा दूंगी।
जैसे ही मुझे कहीं उगा मिलेगा ना तो मैं वहीं से इसमें भी लगा दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे वहाँ पर है, चलिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और हाँ, मैंने ये भी मेहनत की थी कल, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या करा था मैंने कल। देखिए यहाँ से लेके, और यहाँ से मैंने, देखिए जो गोभी हुआ करती थी पिछली वीडियो में देख सकते हैं, ये गोभी मैंने यहाँ से निकाल ली थी, थोड़ी बड़ी हो गई थी वो, मैंने निकाल ली थी। अब यहाँ बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए बननी स्टार्ट हो गई है, ये देखिए बननी स्टार्ट हो गई है गोभी, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ से लेके है ना, मैंने वहाँ तक सुबह सुबह पहले तो इसकी तुड़ाई बुढ़ाई की थी, यहाँ से लेके तो को वहाँ तक बहुत लंबी क्यारी है। चलिए मैं भी आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। और ये नाली का साग है ना, पता कहाँ पे हुआ करता था। ये टमाटर का पौधा एक मैंने यहाँ पे भी लगा दिया था कल। सारी की सारी मेहनत मेरी एक ही वीडियो में थी, अभी तो आप देखकर चौंक जाएंगे कितनी मेहनत थी। अभी मैं आपको दिखाऊंगी पूरी वीडियो, देखना आप, है ना, देख के अक्का बक्का हो जाएंगे। तो यहाँ से वहाँ हुआ करता था ये जो हमारा नाली का साग है, वहाँ से लेके आई हूँ मैं। और वहाँ से लेके आके जड़े काट के मैंने, देखिए जड़ सारी काट दी मैंने, और देखिए इस तरह से कुछ लगा दिया है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक मैंने लगा दिया है। और हाँ, एलोवेरा पन्नी में हुआ करता था, दूसरे गमले में लगा दिया है, मैं दिखाऊंगी अभी आपको। और ये एलोवेरा देखिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है ना। और ये भी है ना, ये थोड़ी सी फूट गई थी, देखो मेरी काम करते करते चूड़ी भी मोल गई थी, क्योंकि बहुत ही होती है चूड़ी ये, और ये देखिए टूट गई है, चट्ट देसी हो गई है तो यहाँ पे, है ना। और यहाँ से मैंने सारे गार्डन से सरसों का साग ऐसे ही चुग चुग के, है ना, सारा बीन बीन के, और मैंने वो भी तोड़ के रखा है इकट्ठा करके, और उसे मैं भूल गई थी। तो चलिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये मेरी मिट्टी है, और ये देखिए थोड़ा सा हमारा ये रेत है, सीमेंट वाला जो होता है बालू रेत, इसमें मैंने छोड़ दिया है। और देखिए ये बेल है ना, मैंने ये बेल भी अपने आप ही हो गई है मेरी साइड को, लेकिन मैंने करने की सोची थी पर मैंने छोड़ दिया था, मतलब मैंने करा नहीं था उरे कोई से, तो अब ये अच्छी लग रही है मुझे, अपनी साइड को हो गई है। और यहाँ पे देखिए ब्रांच पे लग रहे हैं छोटे छोटे से आ रहे हैं। और सारे गार्डन की जो बाद में मेरी बची थी, देखो गोभी की जड़ एक तो मेरी ये रही ना, ये गोभी की जड़ है, देखिए है ना, इसमें खुशबू भी आ रही है गोभी की। और यहाँ से है ना, ये देख सकते हैं कितनी कल मेहनत की थी। और यहाँ पे मैंने सारे गमलों में ही, और ये अभी गमला खाली पड़ा है। और देखो करेले कहाँ पे जाके पके हैं, है ना। और देखो घिया भी हमारे पुरानी बेल पे भी, यकीन नहीं आता गाइस इतने बड़े घिया हमारे हो जाएंगे, जबकि पुरानी बेल है, तो पुरानी बेल पे भी अच्छा रिजल्ट है। और इसका हम रायता या फिर कोफ्ते बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ड्रैगन फ्रूट को कट करके यहाँ से कट किया, और यहाँ से कट किया मैंने, और दूसरे मैंने 10 प्लांट बना लिए हैं ड्रैगन फ्रूट के। और 2 प्लांट मेरे अलग भी थे, एक यहाँ पे था ड्रैगन फ्रूट का, और एक यहाँ पे था जो मैंने कटिंग करके लगाए थे, वो उग रहे थे ऑलरेडी, वो भी मैंने अलग हटा दिए हैं, एक जगह मतलब लगा दिए हैं। बस एक गमले में रह गया है, ये 2 गमले में रह गए हैं, एक ये मैंने कटिंग से लगाया था, ये रह गया, और एक ये रह गया। तो यहाँ पे नगाइस देख सकते हैं कि ये गोभी के पत्ते जो हैं, इनके नीचे मेरा सरसों का साग है और नाली का साग, और ऊपर से मैंने पत्तों से ढक दिया था इसे। और नीचे देखो गड्ढे में है ये, काफ़ी सारा है नीचे, ये देखिए गड्ढे में है, और ऐसा का ऐसे ही ये रखा है जब से। तो क्योंकि सब्जी ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा, और ये सरसों का साग, नाली का साग, पालक का भी हो रहा है मेरे पास, तो मैं बना नहीं पा रही हूँ शायद। और क्योंकि मेरे पास गोभी और घिया के और करेलों के ढेर लगे पड़े हैं, और बैंगन के भी, बैंगन की तो बाल्टी भर के मैं ले गई थी, मैं दिखाऊंगी अभी आपको। और हाँ, मैंने यहाँ पे फिर 3-4 घंटे जब हो गए इस मिट्टी को तुड़ाई बुड़ाई करने के बाद, तो यहाँ पे फिर मैंने क्या करा गाइस, यहाँ पे मैंने इतने हिस्से से लेके इतने हिस्से तक मैंने बोई है यहाँ पे सरसों के दाने, कुछ कुछ डाल दिए हैं 2-4। ठीक है, चलिए पहले इसे निहार लीजिए, कितना अच्छा हमारा कद्दू होता जा रहा है, देखिए 1 किलो का कद्दू हमारा अब हो ही जाएगा, और ये 5 से 6 किलो ज़्यादा भी हो जाता है अगर ज़मीन में और खेत में रहते हैं, बहुत बड़े बड़े कद्दू जो लुढ़के पड़े रहते हैं ना गाइस, वो होते हैं ये। तो यहाँ पे है ना, यहाँ से लेके
यहाँ तक मैंने ब्रोकली का डाला है, और यहाँ से लेके यहाँ तक, देखिए यहाँ तक मैंने जो डाला है सीड्स, वो है एक मोटा पतला पालक है, और भी मेरे याद नहीं है कई चीज़ मैंने यहाँ पे लगाई हैं, ठीक है। और देखो ये कैसी पेले हो रहे हैं, देखिए कैसी पेली हो गई है, चबोनी सी। और चलिए फेंक देती हूँ यहाँ पे, देखिए ये भी पेली हो गई है और ये भी नहीं हो पाएगी, ये देखिए इसे भी फेंक ही देती हूँ। तो इसीलिए ना कट करने को मन कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ऊपर इस बेल पे लग रहा है एक छोटा सा, तो इसलिए मैं कट नहीं करूँगी इसे। और यहाँ पे देखिए फ्लावर्स भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, ये देखिए, और आगे को भी बेल जा रही है। तो चलिए गोभी जो मैंने निकाली थी, तीन जड़ मेरी गोभी की ये रही, देखो ये गोभी की जड़ है, आप पहचान सकते हैं। तो मैंने बहुत सारी मेहनत करी थी, और मेरी मेहनत है ना सारी ऐसी चली गई वीडियो को डिलीट होने की वजह से, और मैं है ना बहुत ज़्यादा परेशान भी हो गई थी, और मैं रोई भी थी कि मैंने कितनी मेहनत करी, और एक छोटी सी गलती की वजह से, छोटी सी गलती ये थी गाइस कि मैं देख नहीं पाई कि कौन सी मुझसे कभी किसी और वीडियो पे क्लिक मुझसे हो तो नहीं गया है, क्योंकि दिख ही नहीं रहा था, फ़ोटो भी थे वीडियो भी थी। यहाँ पे देखिए कितनी सुंदर बेल चल रही है हमारी, एक ही बाल्टी है टूटी हुई, देख सकते हैं ये देखिए, तोरी की भी इसमें ही है और घिया की भी इसमें ही है, और एक तोरी की इसमें है जिसमें कि ये टमाटर का पौधा है। और टमाटर हमारा देखिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, टमाटर सिर्फ़ और सिर्फ 7 और 8 दिन के अंदर इतने बड़े होने के बाद हो जाते हैं लाल। ये 100 रुपये किलो वाले टमाटर हैं, जो कि बाज़ार में 100 रुपये किलो ही मिल रहे हैं गाइस ये, अब इससे कम तो बिल्कुल बात मत कीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दूसरी साइड से आ रही है यहाँ पे कद्दू की बेल उस साइड से, और देखो कहाँ तक जा रही है, देखो वहाँ तक चलती जा रही है, चलती जा रही है कद्दू की बेल। और देखिए इसकी भी मैंने तुड़ाई बुड़ाई की थी, और देखो इस पे ढेर सारे, पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं, इस वीडियो से 2-3 वीडियो नीचे देख सकते हैं, कितने सारे बैंगन हुआ करते थे। और जड़ की बात कर लेते हैं तो छोटी सी जड़ है, बिल्कुल पतली सी जड़ है, क्योंकि ये न्यू पेड़ है, एकदम न्यू प्लांट है, और इस पे है ना नई नई ब्रांच देखिए लग के आ रही हैं, और मैं इन्हें ऐसे बस एक ही छुटाऊंगी, ज़्यादा नहीं, एक दो ही, और क्योंकि ये जो है ना अपने पत्ते ये सूखे सूखे से हो रहे हैं, तो इनमें जान ना जाने के कारण ये बड़े हो जाएंगे, जो हमारे छोटे छोटे सुंदर से पत्ते आ रहे हैं। तो ये पेड़ भी अलग से नहीं बोना पड़ा है मुझे सीड से, और नहीं लाना पड़ा है, और यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, फ्लावरिंग देखिए जड़ से ही हो रही है, ये देख सकते हैं छोटे छोटे आ रहे हैं, दिख नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बैंगन हमारे लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं देखिए। और अभी तो आपको और भी दिखाऊंगी मैं कि मैंने क्या क्या करा था, है ना। तो यहाँ पे चलिए, ये तो मैंने छेड़े नहीं है दोनों गमले, पल्ला वाला गमला जो है वो स्वस्थ है, और ये वाला गमला गल गया है, ऐसे ही गमले 3 गल गए थे, बिल्कुल पूरे के पूरे 3 गमले गल चुके थे, ये देखिए जैसे कि ये गल रहा है ना, इसे आप मिट्टी में भी दबा सकते हैं गले गले को, इसका खाद ही लग जाता है। और देखिए ये मैंने सारा का सारा पेड़ कट कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे तोरी की बेल इसके ऊपर झप गई थी। यहाँ पे देखिए इसमें मैंने गाजर बोई है, और ये पत्ते मैंने कट करके यहाँ पे डाल दिए, यहाँ पे मूली के पास में जो देख रहे हैं ना ये जड़ काय की है, तो ये जड़ है मैं आपको बता दूँ घिया की, जिसपे कि घिया लग भी रहे हैं, ये देखिए छोटे छोटे से यहाँ पे घिया आ रहे हैं। ये बेल हमारी देखिए इस साइड को जा रही है, पहले देख लेते हैं कि ये दूसरी साइड को तो ना चली जाए, वैसे अभी नहीं गई है, जब ये जाएगी तो मैं देख लूंगी इसे। और यहाँ पे देखिए अभी मुझे बैंगन का पौधा लगाना है, और यहाँ खुली जगह में रखनी है, और अभी लगाया नहीं है। इन पत्तों को बीन के है ना मैं एक जगह मिट्टी के नीचे दाबती हूँ, और मैं ऐसे नहीं फेंकती हूँ, नहीं तो गंदी गंदी सी गार्डन में ना गंदगी सी हो जाती है, तो इन्हें दाब दूंगी मैं, अभी तो मैं ऐसे ही फेंक रही हूँ इन्हें। तो
तो देखिए कितने सारे हमारे बैंगन लग रहे हैं, और नीचे से देखो फ्लावर्स आ रहा है। और यहाँ से लेके मैं बता दूँ, यहाँ से लेके वहाँ तक मैंने सलजम का सीड्स थोड़ा 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 डाल के, और मैंने यहाँ पे खुदनी सी करके है ना, मिट्टी की ऐसी थोड़ाई बुड़ाई करके वो नीचे पहुँचा दिया है। और पानी अभी दिया नहीं है, और पानी देते ही जम के ये आ जाएगा, तो मैं आज इसे पानी दूंगी। और देखो ये जब जाले आ जाते हैं ना पेड़ों पे, देखिए तो मकड़ी के जाले आते ही आप समझ जाइए कि कीट अटैक कर चुकी है। तो मकड़ी के जालों को आप ना आने दें पेड़ों पे, ये देख सकते हैं मकड़ी के जाले कीट बना देते हैं, जो सूंडी होती है वो प्रवेश कर जाती है। और देखो सारे पेड़ों पे हमारे जाले आ रहे हैं, और फ्लावर्स भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो देखिए यहाँ से मैंने बहुत बड़े बड़े साइज़ के बैंगन तोड़े थे, देखिए एक मैंने यहाँ से तोड़ा है, उसने तो यहाँ ऐसे कर रखी थी अपनी जगह, यहाँ पर से तोड़ा है ठीक है ये देखिए, और मैंने एक यहाँ से तोड़ा है ये देखिए है ना, और ऐसे ही ऐसे मैंने एक दूसरी साइड से तोड़ा है, और एक यहाँ से और एक यहाँ से, और दूसरे पेड़ों से भी तोड़ा है। ऐसा है कि इससे आधी बाल्टी थी और वो बाल्टी मेरी भर गई है, और भर के बाल्टी यहाँ से मेरी सब्जियाँ निकली ठीक है। आप भी ऐसे कर सकते हैं, और देखते रहिएगा, भूलिएगा मत। और अगर आपके बजट में है ना गाइस, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझे, और अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं, मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है थोड़ी सी भी, तो आप एक बार ज़िंदगी में सिर्फ एक बार ही कर सकते हैं एक आईडी से ज्वाइन, आप ज्वाइन कीजिए। और अगर आप चाहते हैं तो, नहीं तो सब्सक्राइब तो फ्री है, सब्सक्राइब तो कीजिए कीजिए। यहाँ पे देखिए कितना वज़न है ना, देखिए क्योंकि बहुत बड़े बड़े साइज़ के ये हो रहे हैं बैंगन, और कितना वज़न है, तो देखिए लूज़ हो रहे एकदम नीचे को ये देखिए। और आप सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन की घंटी सबसे ऊपर आल वाली प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री होती है। कीट ने अटैक कर दिया यहाँ पे आके, यहाँ पे भी कर दिया कीट ने अटैक। यहाँ पे ना आपने देखा नहीं होगा, ये पहले आज से पहले ये वाला गमला नहीं देखा होगा, जो कि नीचे जला दिया गया है, वो गमला यहाँ पे रखा रहता था, जो कि मैंने ये जो थर्माकोल के ढकने हैं ना पोट के, ये वाले ढकने, इन वाले ढकनों से मैंने गाइस बनाया था, कट करके चाकू की मदद से कट किया, और कट करके देखो ये ढकने का, ये भी ढकने का ही है, ये ढकने ढकना है नीचे से, और ऊपर का हिस्सा मैंने कट करके ऐसे लगा के, जैसे ये भी ढकने वाला ही पोर्ट है एक मेरा, इसीलिए इसमें से पानी वहाँ से ज़्यादा लीकेज हो जाता है। तो यहाँ पे है ना, ये भी यहाँ पे भी वही था, और बहुत गंदा कर दिया था, तोड़ दिया था। वैसे तो उसने मेथी भी और पालक भी दिया, और इस बार सरसों भी काफ़ी बड़ी बड़ी हो रही थी उसमें, और करेले की बेल भी मैंने निकाल दी थी करेले निकालने के बाद। तो यहाँ पे है ना क्या हुआ कि बिलोटे लड़ रहे थे, और उन्होंने ना यहाँ पे तोड़ दिया, और तोड़ के इधर को भाग गए बिलोटे। देखो पंजे भी लग रहे हैं यहाँ पे, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये ना पंजे, ये देखिए ये खरोंच आ रही हैं, खरोंच पता नहीं कैसे, तो यहाँ को लिकड़ के भाग गए, इतने मोटे मोटे बिलोटे थे यहाँ पे, दोनों भाई भाई थे, वो बहुत लड़ रहे थे सच में, तो उन्होंने यहाँ पे तोड़ दिया। तो मैंने अब इसमें क्या लगाया है, एक अदरक, अदरक आप देख सकते हैं, अदरक की यहाँ पे खुली निकल ली है ये, और ये देख सकते हैं कि दो जो पौधे हैं ये वाले, ये मैंने बैंगन के, बस मुझे ज़रूरत तो थी नहीं वैसे बैंगन की, लेकिन मैंने फिर भी ये यहाँ पे लगा दिए हैं, और यहाँ हुआ करते थे तीन गमले, देखो एक ये रहा यहाँ पे, ये गुलाई का निशान है, और देखो दूसरा ये रहा ठीक है, और देखो तीसरा वो रहा। तो आप देख सकते हैं मैंने तीन गमलों का यहाँ से डीएंड कर दिया है, और यहाँ से क्लीन कर दिया है, और वहाँ से लेके यहाँ तक देखो चार गमले, नहीं तीन नहीं चार, देखो एक यहाँ पे हुआ करता था गाइस, यहाँ पे उसमें मैंने टमाटर लगाया है, एक ये रहा, तो कितनी मेहनत की थी, एक तो ये रहा देखो, ये गोलाई है आप देख रहे हैं, और देखो एक ये है ये देखिए, और एक ये है, और एक वो है, तो चार गमलों की मैंने कल तुड़ाई बुड़ाई करी है, और अच्छे से संभाले हैं।
और अच्छे से उन्हें जगा दी है, और दो को तो मैंने भक्षण करके है ना बिल्कुल तोड़ फोड़ के, इस ये जो मिट्टी है ये मिट्टी उसी गमलों की है, देख सकते हैं जड़ें हैं इसमें, ये देखिए छोटी छोटी जड़ें हैं, तो उन गमलों की मिट्टी मैंने इसमें डाली है। इस मिट्टी से नीचे वो पेड़ डाल दिए थे, जैसे पेड़ ये हो रहे हैं वैसे ही वो थे, लेकिन मैंने ये दो लगा ही दिए हैं ऐसे ही, वैसे मुझे लगाने नहीं चाहिए थे, कोई बात नहीं, पर ये भी अच्छे हो जाएंगे, इसलिए नहीं लगाने चाहिए थे क्योंकि मेरे पास है ना बैंगन के पेड़ और भी बहुत हो रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे बंदरों पे गुस्सा आता है, बंदर कभी कभी आ जाते हैं और यहाँ पे बिलोटे बहुत ज़्यादा आते हैं, और यहाँ पे बिलोटे ना लड़ते हैं और तोड़ देते हैं, तो इनकी वजह से मैंने बस यही लगा दिए हैं कि मोटे मोटे पेड़ों में कोई ये नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो देखिए कितने अच्छे अच्छे यहाँ पे बैंगन लग रहे हैं, और देखो ये वैरायटी दूसरी है जो कि छोटी वाली वैरायटी है, देख सकते हैं आप, ये बैंगन की छोटी वैरायटी है जो कि आप भरमा बैंगन भी बना सकते हैं, या फिर भरता भी उबाल के या फिर भून के बना सकते हैं। और छोटे बैंगन में पता भी नहीं चलता है, मतलब पता ऐसे चल जाता है कि इसमें अंदर कीट है कि नहीं है, तो अच्छी मुझे मतलब लगी वैरायटी ये, और अच्छे लग भी रहे हैं, उग भी अच्छे रहे हैं। नीचे से देखिए, ऊपर से लेके देखिए, यहाँ पे भी मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ से लेके और है ना यहाँ तक देखिए, बैंगन ही बैंगन लग रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए एक गोभी का मेरे हाथ से ना सीड्स गिर गया होगा, तो उसी को यहाँ पे उगने के बाद देखिए यहाँ पे ये कितना अच्छा गोभी का पेड़ हो रहा है, ये रहा। तो यहाँ से निकाल के तो हम दूसरी जगह लगा देंगे जहाँ पे बहुत सारी गोभी हैं, तभी सुंदर लगेगा गार्डन। और यहाँ पे है ना कितने सारे करेले भी देखो लग रहे हैं, ये देखिए ये छोटे वाले करेले हैं भरमा, और ये बड़े वाले हैं, और चार जगह मैंने करेले लगाए हैं, तो चारों जगह मेरे इस प्रकार के आ रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये देखिए, और वहाँ पे देखिए ऊपर जाके कितने ज़्यादा लग रहे हैं, ये देखिए, और यहाँ पे तो देखिए पेला भी पड़ गया है, ये देखिए, मूली तो हमारी लिकाड़ने लायक भी हो रही हैं, और गाइस हमारे दूसरे गमलों में भी मूली काफ़ी अच्छी हो रही हैं। और यहाँ पे है ना मैंने एक घिया की बेल लगा दी है, ताकि ये घिया की बेल हमारी बची रहे जब हमारी मूली निकल जाएंगी यहाँ से, गमला हमारा खाली नहीं होगा। तो चलिए मैं पीछे से आपको दिखा देती हूँ, और हाँ ड्रैगन फ्रूट देखिए मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं, उन दो बड़े बड़े पेड़ों को छोड़ के यहाँ पे मैंने लगा दिए हैं 6 से 7 ड्रैगन फ्रूट के कटिंग करके, ये देखिए कितनी सुंदरता है ना गार्डन में। और आपको अभी नहीं लग रही होगी क्योंकि अभी सूखी सूखी बेल है ना, उसी बेल पे मैंने यहाँ पे ये चला दी है, और ये बेल मैंने ट्रांसप्लांट से लगाई है, और देखिए ये देख सकते हैं पालक भी हमारा उसमें, दूसरा जो मैंने अभी साग दिखाया था आपको, पालक उसमें डाल के साग बनाने लायक हो रहा है, लेकिन सब्जी बहुत ज़्यादा है तो साग के लिए मन नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखिए ये मैंने खाली कर दिया है, और अच्छे से संभाल के इसमें ट्रांसप्लांट कर दिया है एलोवेरा को, ये देखिए। तो पूरे के पूरे गार्डन में आप है ना देख सकते हैं, और ये जो हमारी कीट अटैक कर गई है पेड़ों पर, इन बैंगनों पर, इन पे मुझे अभी कुछ समाधान इनका करना होगा, देखिए नहीं तो इतने बड़े बड़े साइज़ के बैंगन है ना सब ये बर्बाद हो जाएंगे, और बर्बाद भी नहीं होंगे, तोड़ लेने चाहिए लेकिन मेरे पास है ना बाल्टी भर के रखे हैं, इसलिए मैं अब नहीं तोड़ सकती, मजबूरी है, और सब्ज़ी कुछ ज़्यादा ही बेतुकी लग रही है। इसने तो हल्दी का पेड़ को भी दबा दिया है,
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलती हूँ दूसरी वीडियो में, बने रहिएगा।